हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाकिस्तान मीडिया भारत की तारीफ करने पर मजबूर, इंडिया बीट इंग्लैंड। चलो, वो तो हमेशा ही मजबूर ही रहते हैं, इसीलिए करते हैं। इनकी मजबूरी क्या है ये पता नहीं, पर मोस्टली इनकी बाकियों की जिनको हमें पता है उनकी मजबूरी तो पैसा है। उनको करनी पड़ेगी हमारी तारीफ, तभी उनका कमाई होगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोज उन चैनल में भी आ रहे हैं, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्योंकि इंडिया जो इस वक्त हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, सबसे बेस्ट टीम अभी तक साबित हुई है। तमाम जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं, आज उनका छठा मैच था, तो 6 के 6 मैचेस इंडिया जीत चुका है। अब तक की अनबीटेबल टीम है। तो भारत वर्ल्ड कप में नाकाबले शिकस्त। वर्ल्ड कप के मैदान से बड़ी खबर है कि दिफाई चैंपियन इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। कम टारगेट के बावजूद इंग्लैंड को 100 रन से शिकस्त। ये वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, वी आर स्टिकिंग टू 50 ओवर क्रिकेट। इसमें से मुझे बताएं, जो अभी तक टॉप की टीम्स हैं उनमें कितने बॉलर्स और कितने बैटर्स जो हैं वो आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 है, मुझे बताएं। लेकिन वो है टॉप पे, उसमें कोई नहीं है नहीं। लेकिन यहाँ वो टॉप ऑफ द टेबल है। खैर, बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना, भारत जश्न मनाए, भारत मैच जीते और पाकिस्तानी अपना रिएक्शन ना दे, ये तो हो ही नहीं सकता भैया, ये हो ही नहीं सकता। और पॉइंट्स टेबल पर सबसे पहले यानी सर फहरिस्त मौजूद है, पहले नंबर की ये टीम है। और जब हमने इंग्लैंड का देखा, इंग्लैंड चूंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और आज भी हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी, तो आज भी इंग्लैंड की टीम इंडिया के सामने ढेर हो गई। जीत ना सकते, बताना मैं क्या पी रही हूं। बड़ा मुल्क है सर, हीरे निकलते हैं और ये बंदा देंगे पूरी जिंदगी ये याद रहेगा। माशाल्लाह। और मुश्किल हालात में भी जिम्मेदाराना बैटिंग, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने 87 रन बनाए। भारत की लगातार छठी जीत की आप सबको बहुत सारी बधाइयां, और जिन्होंने क्रिकेट इजाद किया और जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है, इनकी बुरी दशा देख के तो मेरे को इन पे अब तरस आने लग गया। इनसे अच्छी टीम तो नीदरलैंड और अफगानिस्तान है। क्या आज की सिचुएशन रही? अफगानिस्तान जीत गया जिसमें टीम मैच श्रीलंका से देख लेते हैं। इंडिया श्रीलंका के साथ खेले हैं और 6 के 6 जीते हैं, 12 पॉइंट्स इंडिया के बनते हैं। साउथ अफ्रीका दूसरे, इंडिया ने जो ट्रेन किया 6 में से 5 मैचेस जो है वो तो नहीं, पाकिस्तान से एक स्टेप नीचे था। हाँ, देखा, वही का नंबर है, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर श्रीलंका और पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान को ऊपर चले जाना चाहिए। पाकिस्तान ने अपने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं और पाकिस्तान ने 6 मैचेस खेले हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी, सबने 6-6 खेल लिए होंगे अभी तक, किस सिचुएशन मौजूद है। मैंने कहा था कि इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है। ठीक है, विकेटें भी इंडिया की गिर रही थी, बार बार हम मैच पूरा विटनेस कर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन फिर मैं आपको एक बार कहता था कि ये इंडिया टीम जो है वो एज ए यूनिट खेल रही है। भाई मोहम्मद शमी ने आज जब विकेट्स लिए हैं तो इनके भी चैनल में आ गया, खड़े हो गए। इनकी आवाज कैसे खराब हो गई भाई, इंग्लैंड वालों को चिक चिक क्या हो गई होगी, फड़क हो गया, इतने वीडियो बनाता है तो कसर तो नहीं है। क्या होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर मैचेस की बात की जाए तो पाकिस्तान का भी जो मैच होने जा रहा है वो बांग्लादेश के साथ एक पॉइंट कम है, और उसके अलावा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ ही हमारा मैच होना बाकी है। लेकिन चूंकि हम अभी आज के मैच की बात कर रहे हैं तो नहीं, 4 है पाकिस्तान का भी, 4 इनका भी, 4 ही है, तो सारे खेल में आज कहां पर इंग्लैंड का हमने देखा कि चूंकि वो तो खैर पहले पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पा रही, और ये पाकिस्तानी तो वैसे जले भुने बैठे हुए, क्योंकि इनकी टीम की परफॉर्मेंस रही है 0 अंडा। 4 मैच लगातार हारे हैं, बुरी तरीके से हारे। ये गाजा को सपोर्ट करते करते इनकी टीम खुद गाजा हो गई है। जीत के लिए तरस गए तो इस मायूस कौम ने भी भारत की जीत के रिएक्शन दिए, तो देखते हैं। जो इंग्लैंड का ग्राउंड के अंदर हाल है, देखें, कुलदीप ने बटलर को इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा बॉल डाला है, बोल्ड किया, लेकिन जो इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, 129 पे टीम आउट हो गई है। पाकिस्तानी कैंप के अंदर आपको हालात वैसे हैं या उससे बदतर हैं या उससे थोड़े बेहतर हैं, ये बताएं, क्लियर बताएं। यार देखें, इंग्लैंड टीम हार रही है, आप इंग्लैंड का मीडिया देखें, मैं रोज वेबसाइट वहां की देखता हूं, कोई वहां का जो जर्नलिस्ट है, कोई अखबार पर्सनल स्कोरिंग सेटल नहीं कर रहा किसी प्लेयर के साथ, ये भी नहीं कह रहा कि उसको कप्तान हटा दे, उसको टीम में रख लें, उसको हटा दे। मैं सारे अखबार फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कर रहे हैं,
पाकिस्तान की टीम के साथ ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान टीम हार रही है तो पाकिस्तान टीम की इतनी ट्रॉलिंग हो रही है कि फैमिलीज को भी वहाँ पे लोग पाकिस्तानी कर रहे हैं सामने ही है, तो इसलिए ये फर्क है। बाकी टीमें दोनों एक बराबर की हैं, उनको कॉन्फिडेंट, उनको ये कॉन्फिडेंस है कि जब वो अपने मुल्क वापस जाएंगे तो कम अज कम उनका ये हाल नहीं होगा, उनके साथ गाली गलौच नहीं होगा, मुहज़्ज़िब तरीके से उन पर तनकीद हो रही है और वहां पर जाकर भी होगी। हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा होती है। इंग्लैंड बड़ी टीम थी, इस वर्ल्ड कप में बैड पैच के ऊपर है, नहीं चल पा रहे हैं, हार रहे हैं, हर टीम से हार रहे हैं। लेकिन ऑपोजिट पाकिस्तान की फिर बात करें तो पाकिस्तान का हिसाब कुछ और है। पाकिस्तान जब पाकिस्तान पहुंचेगी ना, ऐसे बह के ये हाल हो रहे हैं, जब पाकिस्तान पहुंचेगी दिला तक ये हाल होगा। जीरो पे आउट इज बेन स्ट्रॉक, जीरो जीरो जीरो, सब जीरो जीरो पे जा रहे हैं। ये होता है असली मैच। मजा आया भाई, वन साइडेड हमने करना ही करना था। चलो बैटिंग नहीं चली तो बॉलिंग ने वन साइडेड कर दिया। यार अनबीटेड इंडियन हो गए आप, 6 मैच लगातार जीतने, इंडिया के दिखा रहे हैं क्या? कांग्रेचुलेशन। यही तो होना था, यही तो होना था। पाकिस्तान का तो नकली है, इंडिया का तो समझ सकती हूं। पहली शर्ट पहनी, कोई डर को खौफ है किस चीज का? डर किस चीज का खौफ लेके खाते हैं किसी से भाई? सपोर्ट करते हैं विराट को, सपोर्ट करते हैं। जीरो पे आउट हो गया, कोई बात नहीं, जा सड़क पे है, रात को बैन के आ गई है 5 मिनट के लिए। विराट है, विराट से कुछ नहीं है, विराट अभी जल्दी चले, ये तो फेक है। और वो तो जीरो पे आउट हो गए, कोई गल नहीं यार, फिर क्यों यार, कभी कभी होता रहता है। वो चाहते हैं कि मैं जरा अपने लेजेंड को थोड़ा और टाइम दूं, वो इसलिए सेंचुरी को जरा ना। लोग कहते हैं पाकिस्तानी कंजस्टेड माइंडेड है, वो तो अपनी बेटियों को स्कूल पढ़ने नहीं देते हैं। और इंडिया इतनी नफरत कर इंडिया के कल्चर में जाने नहीं देते हैं। शर्ट पहन देखे भाई, सबके मुंह पे चपेड़ है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो हिटमैन ने हिटिंग की है ना, मजा आया। उनका स्कोर निकाल दो पीछे बचते हैं उस बंदे ने। मैच इंडिया परफेक्ट है सारे शोबों में, एक प्लेयर आउट होता है दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा आउट होता है तीसरा खड़ा हो जाता है, सातवें नंबर वाला प्लेयर भी ऐसे छक्के मार रहा होता है जो हमारे ओपनर नहीं मार रहे होते, या हमारा जो मिडल ऑर्डर है जो प्रॉपर हमारे बैट्समैन है वो नहीं मार सकते, वो मार रहे होते। तो इंडिया एज अ यूनिट खेल रही है और मैं समझता हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप की बड़ी फेवरेट टीम है। आगे बहुत सारे मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी टीम है, लेकिन इंडिया को एडवांटेज है अपने होम ग्राउंड का, अपनी कंडीशंस का। ये वही सारे वेन्यूज है जहां पर इंडिया आईपीएल खेलता है, सारी कंडीशन से ये वाकिफ है, विकटों से वाकिफ है, तो इसलिए इंडिया को बहुत बड़ा एज है। और मैं इंडिया को इस वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट समझ रहा हूँ और इंडिया को मैं फेवरेट टीम समझ रहा हूँ इस वर्ल्ड कप की। वकार यूनिस ने आपने ट्वीट में आज बोला है कि बल्लेबाज आपको मैचेस जितवाते हैं, बॉलर्स आपको ट्रॉफियां जितवाते हैं, इसी तरह तो आज जो बुमराह और शामी ने बॉलिंग की है, कुलदीप यादव और जडेजा, तो चलो इस जडेजा को खैर इस मैच में ज्यादा मदद नहीं मिली है मुझे तो, और उन्होंने रोहित शर्मा को लीडर बोला है, वाकई लीडर है जी। आपने देखा नहीं किस तरह आज उसने लीड किया है, विकेटें गिर रही थी लेकिन वो खड़ा था, ठीक है, गलत शॉट के ऊपर वो भी आउट हुआ, सेंचुरी करनी चाहिए थी उसको। मैच तो रोहित निकाल के आगे ले गया। मैं वही को कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा प्लेयर है, बिल्कुल वकार यूनुस खुद बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने अगर रोहित शर्मा की बात की है कि बहुत बड़ा लीडर है, तो इसका मतलब है कि वो जिस लेवल से ऊपर से हाइट से उसको देख रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा। एजाज भाई इंडिया की पूरी टीम जो है वो बहुत शानदार खेल रही है, कमाल की है, आउटस्टैंडिंग है। मैं 100 out of 100 मार्क्स देता हूँ इंडिया को अब तक वर्ल्ड कप। भाई ये कौन होते हैं हमें मार्क्स देने वाले हैं? इन्हें कहो हमें तुम्हारे मार्क्स नहीं चाहिए, तुम अपनी टीमों को दो। मतलब ये कमेंट्री तो करेंगे। चलो ये लोग तो इंडिया गए हैं स्पेसिफिकली, तो फाइन, वी कैन, तो अभी ठीक है, बट तुम कौन हो तुम्हारे को मार्क्स देने वाले हैं? पर्सपेक्टिव है, आई डोंट लाइक इट। नो, पाकिस्तान कैन गिव अस मार्क्स, ओनली वी गिव यू मार्क्स, 0 out of 100 हो जाएगा जब बिल्कुल ही हारे हैं, जिस तरह से हालत बुरी हो रही है, लोग बोलेंगे इनकी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। और देखा नहीं था वो कौन सा वसीम के बारे में, वो ऊपर से इनको हमारी टीम को देख रहा है, रोहित शर्मा को वो ऊपर से देख रहा है, और वो अगर बोल रहा है तो भैया हाँ फिर तो रोहित में दम होगा। मैं तो सुन के हैरान हो रही थी, अपने आप को समझ क्या रहे हैं। उसी से पता चल रहा है कि माइंड है मेस्ड अप, और उस माइंड मेस्ड अप में अच्छा बनना और इंडिया का प्रेस करने की कोशिश में गफले ये लोग कर देते हैं। इनको और ट्रेनिंग चाहिए कि कैसे प्रेस करनी है इंडिया की, ताकि समझदार लोग जो हैं इनकी चोरियां पकड़ना। अभी देखते हैं इनकी क्या परफॉर्मेंस होती है आगे जाके, दैट विल चलो देखते हैं। अभी तक 4 बैक टू बैक हारे हैं, अब देखते हैं आगे। हाँ, दो खाली जीते ना, कह रहे थे दो खाली मैच जीते, और 4 इकट्ठे हारे हैं। और अफगानिस्तान जीता अपना ये वाला मैच, और उस और इक्वल हो गया मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास, पॉइंट्स में तो मेरे ख्याल से इक्वल ही हो गया। नहीं, मेरे 4-4 एक स्टेप तो नीचे था, देखते हाँ लिखा हुआ नीचे था, वो कोई और चीजें भी देखते होंगे ना, उसकी वजह से नीचे हुआ होगा, पर वो भी मेरे ख्याल से जो है उसके भी 4 पॉइंट लगे मुझे देखे, जहां तक मुझे दिखा है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप देख के बताना। एक ही स्टेप नीचे है, पाकिस्तान एक और हार ले, अफगानिस्तान एक और जीत ले, चला जाएगा ऊपर अफगानिस्तान ऊपर।
तो चलो मजा आया, तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।